तो दोस्तों आपको ये मेरे पीछे दिखते होंगे, ये है मेथी और बाकला के पेड़। मेथी तो अभी 10-15 दिन में बड़ी हो जाएगी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अभी मैं इन खेतों में, और ये आप देख सकते हो पूरा कितनी कितने दूर तक गए हुए हैं, और ये यहाँ पर इनकी ये गरिया लगी हुई है। हम इनको गाँव में गरिया बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर एक के ऊपर रख देते हैं, ऐसे काफ़ी बड़े हो जाती हैं जैसे ये हैं। और इनका एक काम होता है, ये पशुओं के लिए खवाए जाते हैं खंदने के बाद। ये पहले खनेंगे, उसके बाद चारा बनने के बाद ये पशुओं को खवाए जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितनी ओस है। अभी मैं सुबह सुबह के टाइम पे आया हूँ ना, तो आप देख सकते हो कितनी ओस है इस पे। और इस पे मैं चलता हूँ नंगे पैर, क्योंकि इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है ना, इसलिए। तो दोस्तों आपको ये मेरे पीछे दिखते होंगे, ये है मेथी और बाकला के पेड़। मेथी तो अभी 10-15 दिन में बड़ी हो जाएगी, और बाकला को टाइम लगेगा। ये लाइन पे गड़े हुए हैं ना, ये हैं सब बाकला के पेड़। मेथी कटेगी तो मैं आपको ब्लॉगों में दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं आ गया रोड पे घूमते घूमते, और यहाँ पर मुझे मिल गया अकरम भैया। अकरम भैया, मजा फुल, क्योंकि अभी हल्का हल्का ठंड है। हाँ, और अभी विंटर सीजन आ रही है ना, इसलिए थोड़ी थोड़ी लग रही है। अब धीरे धीरे बढ़ जाएगी, लगभग 15-20 दिन बाद अच्छे से पड़ने लगेगी ठंड, फिर तो मजा आएगा। तो दोस्तों मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।